यूपी निकाय चुनाव से पहले एक और सहयोगी ने दिया झटका। समाजवादी पार्टी गठबंधन को फिर से झटका लगते दिख रहा है। पार्टी के सहयोगी अपना दल कमेरावादी गठबंधन से अपनी राह अलग कर सकती है। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन को एक बड़ा झटका लग सकता है। निकाय चुनाव में सपा और अपना दल कमेरावादी की राहें जुदा हो सकती हैं। अपना दल कमेरावादी की ओर से सपा से अलग राह अपनाने के संकेत दे दिए गए हैं। हालांकि यूपी विधानसभा चुनाव के बाद से ही पार्टी का कई सहयोगियों ने साथ छोड़ दिया है। निकाय चुनाव के दौरान सपा गठबंधन से एक और दल के अलग होने की संभावना है। दरअसल निकाय चुनाव को लेकर अब तक सपा ने अपना दल कमेरावादी से कोई संपर्क नहीं किया है, जबकि अपना दल कमेरावादी वादी के तमाम जिलों में कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए अपना दल कमेरावादी कई जिलों में अपने उम्मीदवार घोषित कर रही है और उसके बाद वो उम्मीदवार नामांकन भी करने वाले हैं। अभी तक की स्थिति के हिसाब से ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। हालांकि अपना दल कमेरावादी की ओर से इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया दी गई है। उनका कहना है कि अगर मुद्दों पर समाजवादी पार्टी साथ आती है तो मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार हैं। दरअसल दोनों पार्टियों के बीच यूपी विधानसभा चुनाव से पहले दोनों पार्टियों के गठबंधन हुआ था। हालांकि इस चुनाव में अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल सिराथू ने सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ी थी और उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराया था। बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर सपा ने बुधवार देर रात अपने 8 मेयर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने लखनऊ से वंदना मिश्रा, गोरखपुर से काजल निषाद, इलाहाबाद से अजय श्रीवास्तव, झांसी से रघुवीर चौधरी, मेरठ से सीमा प्रधान, शाहजहांपुर से अर्चना वर्मा, फिरोजाबाद से मशरूर फातिमा और अयोध्या से आशीष पांडे को अपना प्रत्याशी बनाया है।